नमस्कार, खबरें लाल टीवी देख रहे दर्शकों का मैं मुस्कान स्वागत करती हूं। आज के कुछ खास मुद्दे हैं। एक तो देश के जो बच्चे हैं वो अनपढ़ होते चले जा रहे हैं, दूसरा अटल सेतु की जो दुर्गति हो रही है, और तीसरा यह बाबा जिसको 20 साल की सजा मिली हुई है, रेप का आरोप लगाए बाहर आके कह रहा है आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में गोदी मीडिया आपको ना ही कुछ बता रहा है और ना ही कुछ दिखा रहा है। क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा कि आप लोग कंबल उड़ाता क्यों कर रहे हैं? जनता को टोपी पहनाया, अभी कंबल पहना रहे जनता को। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में जनता जानना चाहती है और जनता को जानना भी चाहिए। देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचा पा रहा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो ऑन द फेसबुक। शुरुआत करते हैं अटल सेतु से, जिसके टोल की बात हुई थी। बहुत सारा टोल लगा है और हमने भी सुना है कि टोल के बारे में कुछ चर्चा हो रही है। एक वीडियो सामने आ रही है, आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर कुछ लोग अगर बोलते हैं कि तुमको फ्री में चाहिए, नहीं भाई हमें फ्री में नहीं चाहिए, बट हाँ अगर न्यूज चैनल वाले इसके ऊपर सवाल उठा लेते तो शायद थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि कुछ ज्यादा ही रेट इसका बढ़ चुका था। उसके बाद नितिन गडकरी जी का कुछ एक स्टेटमेंट आया है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सके। फुकट क्लास है ना, ये फुकट क्लास जो दिव्यांग, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया था दिव्यांग के लिए ये शब्द यूज करना। खैर सर आपने यूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सामने आती है एक लिस्ट, उस लिस्ट में जिनको टोल नहीं देना उनके नाम लिखे हुए हैं और इस लिस्ट में टोटल 25 लोग हैं। तो क्या अब ये फोकट का नहीं है? इस लिस्ट में जहां पर टोल पे नहीं करना उन सब के नाम है, मतलब सच में क्या ये फोकट क्लास नहीं है? इसमें कौन कौन है? वह सब लोग हैं, स्विच राज्यसभा है, स्विच लोकसभा है, ये वो लोग हैं जो जिनकी जेबें पूरी भरी हुई है, ये चाहे तो टोल पे कर सकते हैं, इनका कोई आर्थिक नुकसान तो होने वाला है नहीं, पर ये क्यों नहीं पे करते, इनके ऊपर सवाल नहीं आएगा? कहा गया था कि मीडिया वालों को लेके, बच्चे से लेके छोटे तक को, जिस जिसको भी इस सड़क का उपयोग करना है, इस सड़क पे जाना है, आगे इस रास्ते पे चलना है, उसको टोल पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई आर्थिक जो तंगी होती है वैसा है, ये सब अच्छे से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्री नहीं देना ना तो फिर किसी को भी नहीं देना। लोग पूछना चाह रहे हैं सर आपसे, क्या आप पे करते हो? इसके बाद अब ये भाई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अश्लील ना देखें ना पढ़ें। फिर से 50 दिन की पैरोल पर आए, ये 20 साल की सजा मिली थी इनको और इनको कठोर कारावास मिला था। रेप के आरोपी हैं। कितनी रॉयल्टी के साथ इनका जीवन चल रहा है, क्या लाइफस्टाइल है, आप इसकी एक वीडियो देखिए कि इन्होंने एंट्री कितनी अच्छी ली है। जैसे बबलू खेल रहा हो, अकड़ बकड़ बॉम्बे, मतलब ये कैसी सजा है? ऐसे आराम से प्रोल पर कितनी बार ये बाहर निकल आए हैं, कड़े कानून लगाए गए हैं देश की नारियों के लिए और ये भाई साहब 50 दिन की प्रोल पर फिर से बाहर आ गए हैं। पिछले 4 सालों में ये 9वीं बार बाहर आ चुके हैं। ये जब सब कुछ होता है तो लोग सोशल मीडिया पर शुरू हो जाते हैं कि इनको चाबी दे दो या इनको जज बना देना चाहिए। अगर इनको सजा सुनाई है तो इनको अंदर क्यों नहीं रखा जाता? आप एक काम कीजिए, खुद ही जज बन के बैठ जाइए, क्योंकि इनका तो खुद का राज चलता है। अगर ये जेल में भी हैं, कठोर कारावास में भी हैं, तो वहां पर भी इनका खुद का राज चलता है। जब चाहे तब बाहर निकल आते हैं घूमने के लिए, इनको बाहर की हवा चाहिए होती है। अब सीरियसली हम अगर इस टॉपिक पे बात करें तो 50 दिन की परोल लेकर ये फिर से वापस आ गए हैं। कोई न्यूज चैनल इस पर बात नहीं कर रहा, कोई भी गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे वो फिर से बाहर निकल आए। और अब बात करते हैं पीएम आवास योजना के बारे में। पहले तो ये वीडियो देखिए। पैसा ले गया, पैसा तो नहीं दिए। अब चाबी देखते वक्त उन्होंने बोला कि हमने रिश्वत दी, 30,000 रुपए दिए। कितने दिए? और इससे बड़ा प्रूफ क्या ही होगा? एक एंकर जिसने इस बारे में बात की, जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था, उसने साफ साफ कहा कि उसने 30,000 रुपए दिए हैं। तो अब गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं?
मोदी जी कितना त्याग कर रहे हैं, ऐसे विषयों में तो कम से कम झूठ मत बोलिए सुशांत, इतना भी अच्छा नहीं लगता। इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का गजब हिसाब है, बस राम मंदिर के लिए कार्यक्रम में जाना था तो पिछले 9 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, फल तक नहीं खाया, दिन में सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पी रहे हैं और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर एनर्जी लेवल देख लीजिए, गजबे हैं। पर सुशांत जी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हकीकत नहीं है। हम मानते हैं कि व्रत करना और वो भी इस उम्र में सच में हैरानी वाली बात है, बट भाई तू झूठ इतना क्यों बोल रहा है, इतने भी बड़ी बात नहीं। उन्होंने फल खाए हैं बीच में, एप्पल, बनाना, ग्रेव्स, गुआवा, पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज वर आर द फ्रूट्स दैट पीएम मोदी हैज ड्यूरिंग हिज स्टे इन कोची। अब ये पोस्ट भाई मैं आपको दिखा रही हूँ, खुद दिखा रही हूँ, आप इस पोस्ट पर तो यकीन करोगे ना। अच्छी बात है, उन्होंने जो भी किया फास्टिंग की ग्रेट है, पर तू इतना झूठ बोलकर उसको क्यों खराब कर रहा है भाई, मतलब क्यों उसमें इतनी इश्यू क्रिएट कर रहा है। तो चलो अच्छी बात है, अभी जो कोई अच्छी बात होती है तो उसको तो सब अप्रिशिएट करते हैं। अब मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया था तो जो बहुत अच्छी बात है, मैंने खुद भी की। कुछ मिनिस्टर अब इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ही कचरा फेंक दिया और बाद में खुद ही उसकी सफाई करनी। अब यह रही एक वीडियो, सफाई करने लगे या दिस वीडियो वेंट वायरल। विराधनपुर धारासभ्य लविंग जी ठाकुर वा वीडियो खूब वायरल थयो। झाड़ू और पोछे में पहला झाड़ू लगता ना, उसके बाद पोछा लगाया जाता है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, आइए आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। जैसे बबलू खेल रहा हो अकड़ बकड़ बॉम्बे को, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब एक बहुत अच्छी न्यूज है, एविएशन मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर दोनों ने एक ग्रीन फ्लैग उनको दिखाया। इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो थी उसको कोलकाता से बेंगलोर के बीच में चलेगी। अब जनता थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज है कि जब प्लेन को हमने टेक ऑफ करवाना है तो हम ग्रीन फ्लैग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रीन झंडी तो शायद हम जब ट्रेन निकलती है तो ट्रेन को दिखाते हैं ना। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तो प्लेन में क्यों, मतलब चलो खैर कोई बात नहीं। अब यह थोड़ा सीरियस है, यह रिपोर्ट को लेकर हम सब ने स्लोगन सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है पिछले इसी साल की, कि इन दिनों में जो पिछले साल और इस साल के बीच में जो बच्चों का रिजल्ट आया है उसके बारे में कुछ वार्तालाप हुई है। आइए मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में पहले थोड़ा वीडियो दिखा देती हूँ। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई का जो स्तर है वो चिंताजनक है। अब जब हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर जब इंडिया पढ़ ही नहीं रहा तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बच्चों की जिनके जो रिजल्ट आए हैं, अब इनको रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब इसमें गलती किसकी है, ना ही माँ बाप की गलती निकाल सकते हैं, बच्चों को कौन समझा सकता है, बच्चों हम कैसे पढ़ गए यार। तो बस यूं ही चल रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिनके बारे में इस वक्त हमारा गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा, शायद वो कुछ ज्यादा बिजी है। बच्चों के रिजल्ट की अपडेट अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं दी है, शायद वो नहीं देना चाहते, बताना नहीं चाहते कि इंडिया के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और रही बात सफाई अभियान की, मोदी जी के खिलाफ वो क्यों ही बोलेंगे, पर जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, जो लोग आम जनता खुद बोल रही है उसके ऊपर आप खुद समझदार है कि आप बस इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आप आगे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको उसकी कोई नॉलेज दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं यही बताना चाहती थी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें। मैं हूं मुस्कान, धन्यवाद।